आजहार के महीने की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जहाँ जहाँ से आए हो, जिस विचार को लेकर आए हो, मेरा मालिक वो पूरा करे। शर्मा जी ने आपको बहुत कुछ कहा, समझो चलो तुम्हारा कल्याण होगा। बात सुनने से काम नहीं बनेगा, गुणन करने से बात बनेगी, उस पर विचार करने से तुम्हारा कल्याण होगा। क्योंकि आज आषाढ़ का महीना है और मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज हमेशा उसी महीने की वाणी के ऊपर बोला करते थे, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं भी आज उसी वाणी पर कुछ आपको कहने जा रहा हूँ जो स्वामी जी महाराज ने 12 मासा लिखा है। तो आषाढ़ महीना निकालो, हाँ आराम से बोलना, जो पहली 4 लाइनें हैं। ठीक, कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय। आषाढ़ मास पहला, हाल दुख सुख सहने, जीव का संसार में मन और माया के संग भरम कर और वर्णन कष्ट और कलेश का, जो कि बिना सतगुरु और नाम भक्ति के अंत समय में जमदूतों के हाथ से सहता है। अब उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कह दी वाणी करने से पहले कि हर इंसान अपनी मन और माया के साथ से संसार में जीवन को गुजारता है और दुख सुख सहता है। क्यों सहता है? क्योंकि उसने गुरु की बात को नहीं माना और गुरु की बात को नहीं अपनाया, गुरु की बात के ऊपर नहीं चला, इसलिए उसको संसार में दुख होता है, सुख होता है, कल्पना होती है, कल क्लेश होते हैं, और अंत में फिर किसके सामने जाता है? जमदूत के सामने जाता है। वो जमदूत क्या है, गुरु की महिमा क्या है, हमें दुख सुख क्यों होते हैं? मैंने जो अपने सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज के श्री चरणों में बैठकर समझा और गहराई से समझा, बहुत गहराई से समझा, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा कि संत क्यों आते हैं दुनिया में, संतों का आने का मकसद क्या है। ये परंपरा संत मत में सत्संग की, सतनाम की और साधना की क्यों चलाई गई है, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या आपको इससे फायदा होगा या नहीं होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पढ़िए एक लाइन, पहली लाइन पढ़िए, बड़ी जबरदस्त है, सुनिए। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा थर जीव गर्भ समाया। और स्वामी जी कहते हैं ये देसी महीना हाड़ का, इसको पहला महीना माना जाता है, अंग्रेजी में जनवरी का महीना माना जाता है, और हमारे संबंध में इसको अब माना गया जो पहला महीना है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, किस ढंग से कहते हैं, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ये तो वो जाने, मैं नहीं जानता। मैंने तो अपने सदगुरु महाराज के चरणों में बैठकर उनके वचन सुनकर उन पर जो चिंतन किया, उन पर जो विचार किया, मैं वो आपसे शेयर करूँगा। और हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं दावा नहीं करूँगा कि जो मैंने समझा वो ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा अंतःकरण मानता है कि ये बात ठीक है, इसलिए मैं स्वामी जी महाराज के साथ सहमत हूँ। वो कहते हैं ये पहला महीना है, इस महीने में जीव दुनिया में आया, और क्यों आया, आस लेकर आया, आस, किसी आस को लेकर आया, कोई विचार लेकर आया, कोई कामना है उसकी कुछ करने की, तो इसलिए वो दुनिया में आया। फिर पढ़ो जही लाइन। प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाया। गर्भ में आया, माता के गर्भ में आया, क्यों आया, आस लेकर। अगली लाइन पढ़ो। आस आड़ ले जीव भुला
घर कोई भूल गया, कब जब बाहर आया। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, तुम्हारे बहुत से भ्रम दूर हो जाएंगे। मैं सोचता हूं, मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने भी ऐसा ही सोचा कि जन्म लेने से पहले मेरी आस क्या होगी। शर्मा जी गौर को सुनना, स्वामी जी कहते हैं कोई आस थी मैं आया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पिछला जन्म भी था और पिछले जन्म में मेरा कोई काम रह गया था। ठीक है, तभी पुनर्जन्म हुआ। सनातन धर्म तो यही कहता है कि आदमी अपने कर्मों को भोगने के लिए बार बार जन्म लेता है, जब तक कि उसके सारे कर्म समाप्त ना हो जाए उसको जन्म लेना ही पड़ता रहेगा। जब तक कि उसकी ये प्लेट बिल्कुल साफ ना हो जाए उसको जन्म लेना पड़ेगा। अब सवाल पैदा होता है कि उस आस को पूरा करने के लिए, उस आस को जो मेरी रह गई थी पिछले जन्म में, उस मालिक ने मेरा शरीर बनाया, तुम्हारा भी बनाया। वो शरीर कैसे बना? पांच तत्वों से बना, माता के गर्भ में बना। अब दूसरी बार को ध्यान से सुनना, कोई भी बर्तन जो भी तुम्हारे घर में है वो खास काम के लिए बना है। क्यों शर्मा जी? रोटी के लिए प्लेट बनी, सब्जी के लिए कौली बनी, पानी के लिए ग्लास बना, पानी के लिए घड़ा बना ना। कोई भी ऐसा बर्तन आपके घर में नहीं है जो काम के लिए नहीं है, ऐसा ही है, बात समझ रहे हो? तो हमारा जो शरीर बना, तुम्हारा जब मेरा जो शरीर बना वो वैसा बना जैसे मेरी आशा थी। क्या कहा मैंने? जो मेरी आस को पूरा कर सके, और उस आस को पूरा करने के लिए फिर मालिक ने पांच तत्वों का सहारा लेकर मेरा शरीर बनाया, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये चार पूरे तत्व आप लोगों के शरीर में मालिक ने डाले। किस तरह डाले? जिस तरह वो आपकी आस को पूरा कर सके वो डाले। मेरी आस और है, शर्मा जी की आस और है, प्रेम जी की आस और है, और जैसी जैसी हमारी आस थी वैसी वैसी हमारी शक्ल, हमारा शरीर बना। माटी एक अनेक भांति से साजी सर्जन हारे। मालिक ने, मिट्टी एक ही है, मिट्टी एक ही है, लेकिन बर्तन अलग अलग बना दिए। क्यों? क्योंकि उस बर्तन में किसी ने हीरा रखना है, किसी ने जवाहर रखने हैं, किसी ने सोना डालना है, किसी ने दूध डालना है, किसी ने गंदगी डालनी है, किसी ने नफरत डालनी है, किसी ने द्वेष डालना है, किसी ने दुश्मनी डालनी है, किसी ने लड़ाइयां डालनी है। तो जैसा जैसा तुम्हारा था, आशा थी कि मैंने ये करना था वो रह गया, मैंने ये करना था वो रह गया, और शरीर छूट गया। मालिक कहता चल दोबारा तेरा बना देते हैं ढांचा, चल वो काम करता। इस बात को पकड़ा आप लोगों ने? तो हमारे बस में क्या है? अब ये पांचों तत्व जो हैं, इन पांचों तत्वों का अपना अपना गुण है, अपना अपना गुण है। पृथ्वी का गुण क्या है? पैदा करना। क्यों शर्मा? पृथ्वी माता का गुण है, जो बीज डालोगे इसमें वो पैदा करेगी। और हम इसमें कौन सा बीज डालते हैं? अपने विचार का, अपने ख्याल का, अपनी कामना का, यही डालते हैं, और तो कुछ नहीं। तो जैसा बीज हमारे अंदर होगा वो वैसा ही बाहर आ जाएगा। पृथ्वी माता की ये कृपा है। और जल क्या है? जल में शीतलता है, जल के बगैर कोई चीज पैदा भी नहीं होती। दूसरी बात, तीसरा तत्व क्या है? प्रकाश, रोशनी, अग्नि, वो भी हमारे अंदर है। वो जब तक अग्नि जल को गर्म ना करेगी, जब तक हवा पानी के साथ ना मिलेगी, कोई चीज जमीन में पैदा नहीं होती। तो जल ने भी काम किया, पृथ्वी ने भी काम किया,
और अग्नि ने भी काम कर दिया और हमारे अंदर विचार वैसे पैदा होंगे जैसा हमारा वो आस थी, वो हमारी कामना थी, वो हमारा पिछला कर्म किया हुआ रहता था। बहुत ऊंची बात कर रहा हूं मैं, बाबा फकीर के दरबार से बोल रहा हूं। अब आगे क्या है? हवा, वेग। वेग हवा का क्या काम है? उसकी उसकी रफ्तार होती, वेग होती, चलती है, वो तुम्हें दौड़ाता है। फिर हवा तुम्हें दौड़ाती, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां कभी वहां, ठहरते नहीं हो तुम, तुम्हारे में वैक्यूम नहीं पैदा होता। वैक्यूम जब पैदा होता है तो वहां हवा नहीं होती। शर्मा जी, तो जब हवा नहीं होगी, वैक्यूम नहीं होगा, तो वहां कोई ना कोई नई चीज आ जाती है। तो सतगुरु के दरबार में जाकर क्या मिलता है, बात को पकड़ना। सतगुरु के दरबार में जाने से क्या मिलता है? तुम्हारे मन में जितनी कामनाएं, विचार, ख्याल, जो भी कुछ तुम सोचते हो, वो बिल्कुल आपके अंदर से खाली कर देता है सत्संग में। इसीलिए मेरे दादा बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि डॉक्टर शरीर का ऑपरेशन करता है और मैं मन का ऑपरेशन करता हूँ, ताकि तुम्हारे मन की गंदगी निकल जाए। इसलिए मन का ऑपरेशन करने के लिए तो कोई बहादुरी आता है, शरीर का ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ता है, डर लगता है मर ना जाऊं। और मन का ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल से होता है, जो करवाना चाहे उसको अपने आप को जीते ही मारना पड़ता है, अपने आप को मन से आजाद करना पड़ता है। क्या कहा मैंने? मेरी बात को पकड़ो। अब तुम बताओ तुम्हारे बस में क्या है, तुम विचार करो तुम्हारे बस में क्या है। तुम्हारा शरीर ही ऐसा बना है तुम्हारी कामना पूरा करने वाला, तुम्हारे शरीर का बर्तन ही ऐसा बना है कि तुम जिस काम के लिए इसमें आए हो वो करोगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। कब रोकोगे? जब सतगुरु की तुम पर दया हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो, बात को पकड़ा आप लोगों ने? अपने आप को समझो, तुम कौन हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि तुम्हारा बर्तन ही साफ नहीं है, तुम्हारे बर्तन को ही गलती हो गई बनने के लिए, और तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है। तुम्हारा शरीर तुम्हारे कर्मों के अनुसार बना, तुम्हारा शरीर उस ख्याल के साथ बना जो तुम्हारा था, और तुम्हारा जन्म वही हुआ, उस घर में हुआ जहां तुम्हें वो माहौल मिल जाए। तुम कहीं और क्यों नहीं पैदा हो गए? मेरे विचार, मेरे ख्याल को, मेरी बात को समझो। ये महाराज बाबा फकीर का वचन है, वो कह रहे हैं कि तुम कहां भटके फिरते हो, तुम बर्तन तो साफ करते नहीं हो। अगर बर्तन किसी भी तरह का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, तांबे का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, अगर उसको साफ ही नहीं करोगे तो उसमें जो मर्जी डालो। क्या कहा मैंने? सोने के बर्तन में तुम गोबर डाल दो, वो उसका असर वही होगा। और तुम्हारा शरीर उस मालिक ने बनाया, गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिसरे, कबीर साहब कहते। और तुम्हारा तो सारा इंतजाम तो माँ के गर्भ में उन्होंने कर दिया हुआ था, और फिर भी तुम क्या करते फिरते हो, उसके रूप का सहारा लेकर तुम क्या भटकते फिरते हो, क्यों मांगते फिरते हो? जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है, यही शर्मा जी ने भी कहा, नाम है काशी, नाम है मथुरा, नाम है गिर कैलाश, हूँ ढूंढ मुझको अपने मन में, मैं तो तेरे पास हूँ। वो तुम्हारे बर्तन में बैठा है, पांच तत्व का बर्तन है, और ये पांच तत्व केवल इंसान के शरीर में है, किसी और जानवर के शरीर में नहीं। पशुओं के शरीर में सिर्फ चार हैं, पक्षियों में सिर्फ दो हैं, और कुछ और जानवर जिनमें तीन हैं, जल में रहने वालों में केवल एक है, जल तत्व है, बाकी कुछ भी नहीं है। बात क्या कह रहा हूँ मैं आप लोगों को? इसलिए पहले इस बात को समझो कि स्वामी जी ने ये क्यों लिखा, किस आड़ को लेकर हम यहाँ आए, आड़ में सहारा, किस सहारे को लेकर हम आए। वो सहारा हमारी अपनी कामना है,
वो सहारा हमारी अपनी आशा है जो पिछले जन्म में पूरी नहीं हुई थी और अब उसको पूरा करना है और इसको साफ करना है, जमदूत के हाथ में नहीं पड़ना। कहा ना, पढ़ो ऊपर की लाल चाल, चार लाइन ऊपर की पढ़ो। ऊपर की पहली लाइन है। अच्छा। हार दुख सुख सहने जीव का संसार में मन और माया के माया क्या है? मन के ख्याल माया है, मन के विचार माया है, मन की कल्पना माया है। जो कुछ भी तुम उठते बैठते सोचते रहते हो, कामनाएं करते रहते हो, मैं ये करूंगा कल को, मैं परसों को ये करूंगा, ये सारी की सारी माया है। और जब वो माया पूरी नहीं होती तुम दुखी होते हो। और क्या है? आशा पूरी नहीं हुई, ख्याल पूरा नहीं हुआ, मैं ये करना चाहता था, पत्नी ने नहीं माना, चल पत्नी के खिलाफ हो गए, झगड़ा कर लिया, ओ मैं तेन क्या सी आ करना दुखी कर लिया, चल झगड़ा हो गया। मेरी बात समझ गए हो? तुम्हारे मन ने ही तुम्हें नाच नचाया हुआ है, तुम्हारी कामनाओं ने ही तुम्हें नाच नचाया हुआ है। तुम कभी भी खाली नहीं होते, कभी खाली होकर देखो तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ जाएगी, क्योंकि जहां खाली होगे वही वो है, वही वो। मुझे एक ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक बहुत अच्छी बच्ची है, अभ्या नाम उसने कहीं और से लिया हुआ है, लेकिन मेरे संपर्क में इस बैसाखी पर आई। उसने कहा मैं बाबा फकीर जी महाराज के कमरे में, वो मेरे साथ बैठी, कहती महाराज जी मैं जब वहाँ बैठी तो मेरे अजीब अनुभव हुए। मैं क्या, मैं जानता हूँ, मुझे क्या बताना तुमने, उनकी शरण में बैठे थे तो होने था। कहती एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सिमरन में बैठी और मैं सब कुछ भूल गई, मैं एक ऐसे स्थान पर चल गई जहाँ कुछ भी नहीं था, केवल मैं थी। मैं कहा बस आगे ना बोली, आगे मुझे पता क्या है, आगे ना बोली। और मैंने उसको रोक दिया कि अगला अभ्यास तूने नहीं करना, इससे आगे अभ्यास नहीं करना, क्योंकि तेरे अभी घर गृहस्थ है, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, अगर तुम आगे जाएगी तो तेरे लिए क्या होगा, तुम्हें वैराग्य पैदा हो जाएगा, तुम्हें घर अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैंने उसको कहा। क्या हुआ कि जब मैं अभ्यास करता था महाराज जी के दरबार से उठकर जाना, क्योंकि वो नशा होता था, और बैठ जाना और वहाँ पहुँच गया, शब्द में चला गया, प्रकाश में चला गया, और महाराज जी को चिट्ठी लिख दी कि महाराज जी आज आपकी कृपा से जो हुआ। और मुझे उसी वक्त उन्होंने कार्ड लिखा, कार्ड और पोस्ट कार्ड होता है ना, उस पर लिखा बच्चा इतना ऊंचा अभ्यास करना बंद कर, तेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी नौकरी है, अभी तूने बहुत काम करने हैं, नहीं तो तुम्हें वैराग्य आ जाएगा, वैराग्य बोले दुनिया भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो दुनिया बहुत प्यारी है, वहाँ ना दुख है ना सुख है, ना अपना है ना पराया है। तो मैंने एकदम हजूर की बात समझ ली, कहते केवल सिमरन करना है और केवल ध्यान करना है। और ये बात मैंने उस बेटी को कही, बेटा आगे के लिए ये वहाँ नहीं जाना है, तेरे पर गुरु की बहुत कृपा है, तू मानवता मंदिर होकर आई है, तेरे पर बाबा की ने हाथ रख दिया सिर के ऊपर, तू कामयाब हो जाएगी। ये मैंने उसको लिखा। तो ये क्या कहते हैं, फिर पढ़ो यही लाइन, बात को समझो। स्वामी जी महाराज, हाँ, हार दुख सुख सहने जीव का संसार में मन और माया के संग धर्म कर और वर्णन कष्ट और कलेश का, जो कि बिना सदगुरु और नाम भक्ति के अंत समाप्त। बिना सदगुरु क्यों हुआ? बिना सदगुरु, बिना ज्ञान, बिना समझ, बिना विवेक के जे सारा दुख सुख तुम सहन कर रहे हो, तुम्हें विश्वास ही नहीं आया। अपने ऊपर तो क्या विश्वास आना था, तुमने अपने गुरु पर भी विश्वास नहीं किया। इसलिए पहले इस बात को समझने की कोशिश करो, विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फल लाता है। और ये संसार है क्या, विश्वास ही है ना,
पति ने औरत को पत्नी मान लिया तो उसको पत्नी का सुख मिलेगा, पत्नी ने पति को पति मान लिया उसको पति का सुख मिलेगा, बाप ने बेटा मान लिया बेटे का सुख मिलेगा, और अगर बेटे ने बाप को शत्रु माना तो फिर क्या होगा, फिर शत्रु होगा। बेटा समझ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ? तुम्हारी समझ नहीं तुम्हारे लिए दुख पैदा करना है, तुम्हारे ख्याल नहीं तुम्हारे लिए दुख सुख पैदा करना है, तुम्हारे विचार नहीं तुम्हें तुम्हारा कामना पूरी करनी है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी कामना पूरी करनी है। बाकी दुनिया में कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता। क्या कहा, मैं बता रहा था सुबह मैं बता रहा था वहाँ के, मैं जब आ रहा था तो आगे एक बड़ी गाड़ी चली हुई थी, ट्रक बड़ा, उसके पीछे बड़ा प्यारा लिखा हुआ था, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कोई कुछ नहीं दे सकता। मैंने अपने ड्राइवर को कहा, मैं कह चौधरी देख कितने प्यारे शब्द लिखे हुए हैं, कितने प्यारे शब्द लिखे हुए हैं, इस पर विचार करके देखो, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कोई नहीं देख सकता। और फिर यही तो लिखा संतों ने, सब ने कहा, लिखा ललाट टलिनी तारा भाभी को कुमेट नहारा, तुलसी पामा जिन्नी मेरी मर्जी सुंदर पाठ करते रहो, जो हनुमान जी को जाप करते रहो वो दे देगा। किसी ने तुम्हें कुछ नहीं देना, तुम्हें उस मालिक ने अपने रूप में बना कर जहाँ भेजा है और तुम्हारे को कंप्लीट बना के भेजा है, तुम्हारे को कर्म इंद्रियां दिए कर्म करने के लिए, तुम्हें ज्ञान इंद्रियां दिए ज्ञान से दुनिया में जीने के लिए, तुम्हें मन मिला है विचार करने के लिए, तुम्हें बुद्धि मिली है उस पर चिंतन करने के लिए, तुम्हें चित्त मिला है ठहर कर बैठ कर सोचने के लिए, और फिर तुम्हें अपने रूप का अपने आप ज्ञान हो जाएगा। मगर तुम अपनी शक्ति को तो दूसरी तरफ इस्तेमाल करते हो, अपनी शक्ति को जाया करते हो, आप अपने आप को समझते नहीं कि मेरी आंखों से भी मेरी ताकत जा रही है, तुम्हें अपने आप को समझते नहीं कि मेरे कानों से भी मेरी ताकत जा रही है, तुम समझते नहीं कि मैं बोलता हूँ उससे भी मेरी ताकत जा रही है, और एक ताकत और है उसका तो तुम्हें परवाह ही कोई नहीं, जो तुम्हें औलाद देती है उसकी तो तुम परवाह कोई नहीं करते, बस उसको कहते पता नहीं ये क्या मिल गया खाए जाओ, खांड मिली है खांड खाए जाओ, चेह मिली है खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, और अपने आप को शारीरिक रूप से नष्ट कर लेते हो, और फिर कहाँ जाते हो, भाभियों के पास जाते हो, या पंडितों के पास जाते हो, या फिर डॉक्टरों के पास जाते हो, क्या रखा है किन बातों में तुम ए इंसान, अपने आप को पहचान, तू क्या है, तू मालिक का बेटा है, तू शहनशाह का बेटा है, तुम्हें अपने रूप में उसने बनाया है, मगर तू तो भूल गया। और वहां आगे क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, तुम्हारी जिंदगी का सारा नक्शा आगे लिख देते हैं कि बच्चा था तो तेरा ये हाल हुआ, नौजवान हुआ तो तेरा ये हाल हुआ, बड़ा हो गया तो पत्नी के हो गया, बच्चे हो गए, फिर सारी उम्र सूर की तरह, कुत्ते की तरह, बैल की तरह, घोड़े क्या गधे की तरह ढो रहा है, घर को ढो रहा है, ला रहा है ला रहा है, और फंसा हुआ है, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। पढ़ा पढ़ो आगे क्या कहते हैं, मैंने आपको बेस बना दिया, मैंने आपको समझा दिया कि हम क्या है। वो है आप जो पांच तत्व के जी के काबिल में बैठे हो, उसको तो तुम पहचानते नहीं हो। नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, तुम भगवान को जान जाओगे अपने आप को, क्योंकि तुम उसकी अंश हो। मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने तो बड़े प्यार से हमें समझाया, कैसे समझाया, कहते पुराने जमाने में हांडी होती थी, हांडी जानते ना, मिट्टी की तौड़ी मिट्टी की बर्तन होता था, उसमें दाल बनाया करती थी हमारी माताएं। मैं तो गांव में रहा, बचपन से देखा, एक मिट्टी का बनाया होता था ऐसे गोल गोल, उसमें पाथियां लगा देनी गोबर की, उसमें गोबर की पाथियां लगाकर आग लगा देनी, उसमें वो तौड़ी जो तौड़ी कहते ऐसी ऐसी हूँ हांडी कहते, जब कोई बर्तन दाल बनाने वाला कह लो अपने अपने इलाके की बात है, वो रख लेनी पानी डाल देना और फिर दाल लानी, काले माँ जी दाल लानी धोना चंगी तरह धो के, वो फिर ओहदे च पा देनी, फिर ओहदे च नमक पा देना, हल्दी पा देनी, मिर्चा पा देनी, कोई मसाला कोई तुड़के नहीं सी, एम डी मसाला नहीं सा, वो एम डी एच नहीं सगा ना, लसन होंगे सी, टमाटर भी नहीं होंगे सी, प्याज होंगे शर्मा जी,
अदरक होंगे बाकी कुछ नहीं। हूँ तो पता नहीं मसाले बड़े आ गए, रसोई जाके देखो ढेर लगे मसालिया का, मसाला ए मसाला ए मसाला, तदे बेड़ा गर्क हो गया हमारा। फिर क्या कहा करना, उसके ऊपर दाल डाल दी, सब कुछ डाल दिया, उसके ऊपर एक ढक्कन डाल दी थी माता, उसमें छेद होते थे, छेद जानते ना गलियां, ताकि वो कैसे होगी कि उसकी भाप निकले, वो सब्जी दाल बाहर ना चली जाए, बन गया ना कुकर देसी। बस अपना काम करना, सारे घर का काम करना, झाड़ू करने, पशुओं पट्ठे पाने, गोहा भी चकना, ये भी करना वो, फिर आके चुप करके हाथ हुथ धो लेने, धो के इधर चमचे नाल दो दाने कटने, चमचे नाल दो दाने कटने, और उन्होंने इदा देख लेना इदा, और वो दाने फिर मूछ भी पा के देख लेना, ले दाल भी बन गई, नमक भी ठीक है, मिर्च भी ठीक है, चलो बच्चो आओ खाना खाओ, बह लेना थालियाँ लेके रोटियाँ खानी। बाबा फकीर ने कहा कि जैसे माता बड़ी दाल को, ज्यादा दाल को दो दानों से जान लेती है कि ये सारी बन गई, बात को पकड़ रहे हो, माँ दो दानों से या एक दाने को निकाल कर उसको ऐसे कर लेती है और वे ऐसे देख लेती है कि दाल बन गई, चलो बच्चों रोटी खाओ। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर भी एक दाना है, एक दाना है, सारी दाल में से एक दाना है, वो तुम्हारे अंदर है, उसको पहचान लो, वह तुमने सारी दाल जान लेनी है। क्या कहा मैंने, मैं बाबा फकीर जी की बात कह रहा हूँ, सुन लो, वो दाना तुम्हारे अंदर है, वो दाना बड़ी दाल का दाना है, वो बड़े क्विंटलों क्या, हजारों क्विंटल क्या, लाखों क्विंटल क्या, उसकी लिमिट ही कोई नहीं, एक दाने को ढूंढ लो, तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। वो कहाँ भटके फिरते हो, किस किस को पूछते फिरते हो, कहाँ कहाँ अपना सिर मारते हो तुम लोग, अरे अपने अंदर जाके झांक के देखो तुम कौन हो, तुम वो ही हो जो वो है, तुम वो ही हो जो वो है, उसी में हमने मिलना है। अगर उसमें नहीं मिले तो फिर क्या होगा, गुरु का ज्ञान भूल गए, और फिर क्या होगा, वो ही जमदूत, वो ही हेरा फेरी, वो ही 420, वो ही धोखाधड़ी, वो ही गहरे रूप धारण करके, काले पीले रूप धारण करके आपको लेने आ जाएंगे, चल भाई तूने जो काम किया चल वापस नरक में चलेंगे। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। काम देखने बारे माया कीना बहु जंजाला। अब कर्म वेग जो कर्म जो हमने करने हैं, उस कर्म को करने के लिए हम माता के गर्भ से बाहर आए, और बस फिर लग गए उधर ही इधर लगना था, फिर आगे पढ़ो। बाल अवस्था अति दुख पावे, भेद में भारी नित सतावे, दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। जब तू बच्चा था तो तेरे को तकलीफ होती थी, तू रोता था, और माँ नहीं समझ लगती थी कि मेरा बेटा रोंदा क्यों है, और फिर वो दवाई कुछ देते थे, बीमारी कुछ होती थी, तेनू दुख सहने पे बचपन में जब तू छोटा माँ की गोद में, बच्चे रोते हैं ना, कोई पता नहीं लगता। मैं आपको अपनी बताता हूँ डॉक्टर, मैं पहली दफ़ा जब यहाँ से धर्मशाला गया तो छोटा बेटा मेरा उसमें लेती 3 साल का था, तो गाड़ी से उतरे आराम से चले गए अपने कमरे में सो गए, वो मालिक मकान एक ठीक कर ली, बहुत अच्छी माता, हमें उसको माता जी कहते थे, और वो भी हमें बच्चों की तरह रखती थी। तो रात को खाना खा लिया सो गए, बच्चा रोने लग गया, बहुत रोए, तुमने हम बड़े कुछ की घंटियाँ भी इदा बजाइए, बच्चे थपथपाइए भी वो चुप ही ना हो गए। तो वो माता उठ के आई रात को 12 बजे, कहती कमल जी क्या बात आपका बच्चा रोता क्यों। मैं कहा माता जी पता नहीं बड़ा सोना सो गया सी, हूँ रोनो ही नहीं हटता। कहती इदा करो नाल ही डॉक्टर है तीजी कोठी च, तुसी उठे चल जाओ, तुसी उहदी घंटी बजाना वह आ जाएगा। असी बच्चे ने चक्या रोंदे नूं रात नूं, कोठी ते जाके घंटी बजाती वह आ गया, तो उसने देखिया बच्चे ने चंगी तरह, सानू पता नहीं, वही मैं गल दस रहा, सानू पता ना लगे भी क्यों रोंदा क्या कारण है, और रो ही जा रहा है, बहुत रो रहा है। उसने आंख ऐसे उठाकर देखी,
ये भी देखी। फिर मुझे पूछता, बेटा आप कहाँ आए हो, किस लिए आए? मैं कहा जी मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई गवर्नमेंट कॉलेज में। अच्छा अच्छा, तो आप पहली दफ़ा पहाड़ों में आए हो? मैं क्या हाँ जी। कहता बच्चे को पहले तो बात यह है कि आपने जहाँ खाना जो खाना है ना वो इधर वाला ही खाना, पंजाब का पानी हो रहा है, पहाड़ों का पानी हो रहा है, समझ गया मेरी बात को। ये खाना ये खाना ये खाना, ये नहीं भी माह की दाल ही खाई जानी, पंजाब च माह की दाल पच जाती इतने नहीं पचती। उसने बड़ा समझाया पहले, फिर कहता कुछ नहीं, इसके बच्चे के कुकरे फूल गए हवा लग के। कुकरे होते हैं ना ट्रकोमा बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो उसने दवाई डाली, एक ड्रॉप डाला दूसरा डाला, कहता रात को नहीं सुबह डालनी है, जब सुबह ठीक हो जाए बस वो डाली और ठीक हो गया, आ गए हम बड़े आराम से सोए। मैं वो आपको मिसाल दे रहा हूँ कि दुख कुछ है तो असी वैसे ही उन्हें पेड़ पर कभी हाथ फेरते हैं, कभी गर्म पानी रखते हैं, कुछ नहीं, असी भी परेशान, बच्चा भी परेशान। तो बचपन में कहते हैं दुख से तेरे पीते, फिर अगे की होया, अगे भी देख ला की होया, आगे चल। दुख में रोवे अति चिल्लावे, पढ़ता जा, माते पिता बुद्धि काम न आवे, दुख कुछ है और सद कुछ कई है, उलट पलट संताप दे है, बालपनायति दुख में बीता, दुख से भाई किशोर खेल मत दीता। आगे थोड़े से बड़े हो गए तो खेलने लग गए, आगे पढ़ो। मात पिता चाहे परवाना, ये रहे इस दिन खेल दीवाना, माता पिता चाहते कि पढ़े लेकिन वो तो खेलने च लग गया, अगे चलो। मार पीट पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी, यह भी दिन दुख गफलत बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते, तरुण अवस्था यावन लागी, मन तरंग अब छिन छिन जागी, चाह उठी तब करी सजाई, ब्याह हुआ घर नारी आई, होया ब्याह हो गया पत्नी घर आ गई, अगे की नारी देख मन अति हरसाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना, करके बड़ा खुश है, नहीं पता पे मगर भार कितना चकना पैना। आगे तो स्वामी जी कह रहे हैं अपना अपना जीवन देखो। मात पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले, माँ बाप तो की लेना, पत्नी मिल गई बस ठीक है, वो जो करती कहती वो नाश नचाएगी, माँ तेरी आ कहती है तेरा पे ए कहता मैं नहीं उठे रहना, वो मैं सच्ची गल कर रहा, मैं पता वो एक मैं आता दिल्ली तो टेलीफोन आता, वो मैं क्या काका की होया तू कहते इन्ना दुखी क्यों है, वो बाबा जी मैं बचा लो, मैं क्या मैं तेन कितना बचाना भाई मैं दसता सही, कहता मेरे घर आई मैं अपनी माँ नू लै आया, मैं अपनी माँ नू लै आया, फिर माँ कली आ अपने को रखिए सेवा करिए, तो मेरी जनानी ने शाम को कह दिता जा मैनू रख जा इनू रख ले, मैं हूँ बाबा जी की करा, नहीं मैं चली मैं अपने घर चली, मैं नहीं तेरी माँ की सेवा कर सकती, मैं की करा बाबा जी, मैं कह इदा कर मैं तेरा होर कोई भरा है, कहिंदा जी एक छोटा भी है एक बड़ा भी है, मैं क्या छोटे का की हाल है, कहिंदा छोटे की घर वाली भी बहुत तेज है, वह बहुत ही वो बड़े का की हाल है, कहना वो मेरे ना प्यार करता, वो घर वाली भी बहुत अच्छी है, और मैं उन्होंने पैर ही पहना हूं जब घर जावा, तो मैं कह तू इदा कर माँ ना वो को छात्रा और महीने के पैसे उन्होंने भेज दिया कर, तेरा घर बर्बाद हो जाना भाई, तू ब्याह के लिया है, इन्हें समझा ला थोड़ा जहा कि तेरे ना भी इदा ही होनी है, जो तेरे पुत होना ना वह भी यही करूँगा जरा तू मेरे माँ ना कर दी है, तेरा पुत भी तेरे ना यही करेगा, ये ज्ञान इन्हू दे, दे। बाबा जी गल तो ठीक की पर मैं मानू अपने घर भेज दे,
नहीं तो तेरा घर जड़ा हैगा ये बस नरक ही बन जाना। मेरे ऐसा हो रहा है, क्या कहूँ आज क्या मैं और क्या कहूँ, अभी कह रहा था मैं, और कुंडली भी मिलाई जाती है, 18 गुण मिलते हैं, कोई 21 गुण दस दिता, और मगरों ब्याह हो गया तो 0 हो जाते सारे गुण, कितने चल जाते सारे गुण, मैंने समझ नहीं पाती क्या कहा मैंने। वो करो को अपना स्वर्ग बना लो भाई, माँ बाप की सेवा कर लो, जो कुछ तो लेना तुलसी दुनिया से। मैं दावे नाल कहना वो तुहानू कोई गुरु कोई पीर कोई संत कोई सतगुरु कोई भगवान तुहानू सुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। माँ बाप की सेवा ही सब कुछ देगी, और मैं आपके समक्ष बैठा हूँ। मैं अगर गुरु मुझे मिला, मुझे अगर सतगुरु बाबा फकीर जी मिले तो मेरी माँ के आशीर्वाद से मिले, क्योंकि बचपन से मैंने माँ को कहा था माँ मुझे गुरु मिला दे। उन्होंने कहा कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं, फिर सब गुरु ही है, मैं तो गुरु में सब कुछ मानता मैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं तो किसी को सुर नहीं चुकाता पे, सीधी गल है। इतने मैं लम्मा भी पहन तैयार है, इतने मैं दंडवत करने तैयार है, पर होर कि नहीं, मेरा यार एक ही है, तो नहीं हो सकते। क्या कहा शर्मा जी मैंने, तो इसलिए ये कहते हैं कि बड़ा हो गया पत्नी आ गई तो माँ भी होर तो प्यो भी होर, वो ही सब कुछ हो गए, और घर में सब कुछ हो रहा, क्या हो रहा आगे पढ़। माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले, चलो घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन अति राता, फिकर पड़ा उत्तम काज बही, दर दर भर में दुख अति साई। अब क्या होगा, बच्चे पैदा हो गए, हूँ रोटी के चक्कर पै गया, चलो हूँ इधर चलो उधर चलो उधर चलो, लगे ना फिर स्वान की तरह दौड़ना आगे। स्वान समान करी गति अपनी, स्वान मैंने कुत्ता, धन का सुमिरन धन की जपनी, धन पाया तो हुआ आनंदा, अन मिलते पड़ा दुख का फंदा, गृह कारज अब नित सतावे, कुल और जाति बहुत भर मावे, सबका बोझ भार सिर लीना, अब तड़पे जस जल बिन नीचा। फिर हाल हो जाना चाहता जल भी मछली बाहर आ जाती है पानी तो आगे। मूरख ने यह भार उठाया, अब दुखन से बहु घबराया, भर मत पिए सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुख दारुण, किए अपने को बहु पछतावे, पर अब कछु पेश नहीं जावे। फिर क्या होना, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या सी होता, फिर नहीं कुछ होता, पछताता है बाद में, आए क्या हो मैं क्या कर लिया, मैनू मैं ज्यादा पता हों तो मुंडे का ब्याह ही ना करता। माँ बाप भी कह देंगे ना, कहते ना मैं सुने और मैं कानू नहीं बैठता, मैं भी मुंडे का ब्याह करके अपना बेड़ा ही गर्क कर लिया। और तू तो कई मामा इदा भी कहते सुनिया, तू ना जमदा पत्थर जम जाता तो चंगा सी, भी कही सुनिया मैं पिंड से गया ना, मैं सब सुनता रहा, देखा मैंने देखा है, अपना जीवन भी देखा आगे। लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली, क्यों भाग्यशाली, 18 साल की उम्र में बाबा फकीर जी मिल गए, 6 साल की उम्र में ख्याल आया बाबा मेरे गुरु मिल जाए, क्यों आया, मर के किथे जाना, कौन दसू, गुरु दसू, माँ ने दस दिता, माँ ने मैनू समझा दी सारी गल कि बेटा तेरे सवालों के जवाब कोई गुरु देगा, और गुरु मिला तो संत ऐसा मिला, मेरा मालिक मुझे मिल गया, जन्म मरण ही खत्म कर दिया, और मैं क्या कहूँ इससे ज्यादा, आगे बोलो। कल कलेश बहु वरण लागे,
बरसाई तू असाए अब जागे मोर पपीहा भरम तास के रोग शोक दुख मोयास के। अब बारिश पड़ेगी ना, अब सावन महीना आ जाएगा, कहते फिर आदमी की हालत यह हो जाती है जिदा सावन का महीना तो पानी पानी शरीर हो जाता दुखों नाल घेरिया गया बार मोर भी बोलते पपीहे भी बोलते भी चंगे नहीं लगते मेरे पास अंदर नहीं सुख जब अंदरों ही आदमी सुख नहीं उन्होंने कितनी खुशी कितने आती है। तुम किसी बंदे बाग च भेज दो बाग देख रहा बड़ा खुश हो रहा बड़ा खुश हो रहा घरों टैलीफोन आ जाता जनानी का आ थोड़ा मुंडे ने सिर हाथ चला लिया अग पा के उन्होंने सारे फुल चंगे नहीं लगन गए दौड़ा होगा घर आऊगा कि नहीं। खुशी है अंदर तो बाहर भी खुश नजर आएगा, अगर अंदर खुश नहीं है तो बाहर भी कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये हमारा हाल है, घरों में सुख नहीं है, घरों में शांति नहीं है, घरों में प्रेम नहीं है और बाहर डुगडुगी बजाते कि असी फलाने गुरु ने चेले हैं साडा गुरु वो है साडा गुरु वो है साडा वो। कल मेरे को एक मेहमान आ गई, मेहमान आई मेरे घर में तो मेरे को बह के गल चल पे गुरुआ की गल चल पी। मैं क्या मैनू लगता बेटी तुम्हें तो गुरु धारण किया है। हाँ जी सानू भी सत साल हो गए सत भी ज़्यादा साल बोले नाम लिया है असी भी नाम लिया है। मैं नहीं पूछा मैंने की लौट पर पूछ मैं क्या बेटा नाम तो लैन ले लिया तू सिमरन किन्ना कर दी है बैठते तुम तीनों आदमी दोनों सिमरन करते हो अंकल जी टाइम ही कितने मिलता। मैं क्या वाह रे वाह। मैं क्या बेटी तू सब्जी लिया जे बाजारों लिया के फ्रिज च रख दे मैं उन्होंने बनावे नहीं तो उन्हें फ्रिज भी गाल देना तो नाल सब्जी भी सड़ जानी फ्रिज खोलूगी तो बदबू आनी तो तुम वो की किया क्यों किया करिए जी अंकल जी करिए टाइम ही नहीं मिलता। मैं क्या नामदान जोड़ा लिया ना गुरु में मोड़िया और जाके तो साढ़े काम का नहीं है ये तो नहीं साढ़े काम का नहीं है बाबा तो क्यों लिया नामदान गुरु को भी धोखा तुम्हें अपने आप। मैं क्या गल सुन पहला तो गल ये कि तेरा जो शरीर है ठीक नहीं है तेरे शरीर में बाजू बहुत है और तेरी उम्र 55 साल है ना। वो अपनी सहेली देखे तो बाबे को कितना पता 55 साल है। मैं क्या मैं तेरी चाल तो पछाण लिया तेरी 55 साल उम्र है बात समझ गया। रोग लगेंगे क्यों लगेंगे क्योंकि तुमने खुद को भुला दिया तुमने खुद को धोखा दिया। नाम लो नाम नाम लिया तो नाम पर कुर्बान हो जाओ नहीं तो नाम ना लो तुम्हें खा जाएगा। बाबा फकीर जी यही कहा करते थे तुम्हें नाम खा जाएगा। नाम मिला तो सिमरन कर लो तुम्हारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे तुम्हारे सुख तुम्हें मिलेगा तुम्हारी मनोकामना। नाम में तो ताकत ही ऐसी है जरा जप के देखो जरा सिमरन करके देखो मगर तुम्हें तो बैठोगे तुम बैठोगे तो मन में तो वही आएगा दूसरों की बुराई दूसरों की चिंता बाकी जब बच्चों की चिंता तुम अपने आप को गुरु को हवाले करते ही नहीं हो। अरे गुरु के बाद पहले ये बताओ मुझे तुम सोचो तुम लेकर क्या आए। सवाल है एक शर्मा जी मैं लेकर क्या आया कुछ भी नहीं लाया था एक उस मालिक ने शरीर दिया मुझे बाकी तो मैं कुछ नहीं लाया और जो कुछ जहां मिला मैंने उसको मान लिया कि वो मेरे पिता है मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया मैंने मांगा ही कुछ नहीं। क्या कहा मैंने और जो जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो ऐसा संतों ने कहा है। जग का मतलब तुम्हारी अपनी जरूरतें पूरी हो जाएंगी सब कुछ तुम्हें मिलेगा मगर तुम उसके होते नहीं हो तुम तो और दुनिया के होते हो तुम्हारे में पार्टी पर। कल मुझे एक टेलीफोन आया और फतेहबाद से वो डॉक्टर वो वकील है लड़की और लड़की धोती भी पता किसकी वो धोती है हुकुम सिंह की जो महाराज बाबा फकीर के साथ खड़े रहते थे और मेरे घर भी मेरे साथ गए मेरा बड़ा प्यार करते थे हुकुम सिंह जी। तुसी देखे हुकुम सिंह जी नहीं तो उसकी धोती वहाँ वकील है उसकी माँ भी आई हुई थी उसका ना उसकी नानी थी शायद वो
जो परिवार के साथ आए होते, तो उसने मुझे बताया सारी बात। कहते जी मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरे जो ससुराल हैं वो तो आर्य समाजी हैं, मैंने नाम लिया हुआ है तो मैं क्या करूं। मैं कहता तूने आर्य समाज से क्या लेना। कहती वो तो हवन करते ये करते। मैं कहता तेनू हवन खांदा, तू भी साथ बैठ जा कर, तुम्हें क्या होता है, वो हवन करते मंत्र पढ़ते तू सिमरन कर बैठ के। ले यही हो गया वो आर्य समाजी, मैं तो नाम लिया, इतों झगड़ा पति ना बनती नहीं। वो प्रोफेसर है हिसार यूनिवर्सिटी में एक लड़का, सारी बात मुझे सुनाई। फिर मैं समझाया उन्होंने, मैं उन्हें चंगी तरह समझाया। मैं क्या बेटी पहले मैं एडवोकेट करता रहा उस लड़की को, एडवोकेट एडवोकेट नहीं महाराज जी, मैं एडवोकेट मैंने तुम बेटी कहो। मैं क्या तू मेरी बेटी बनेगी, जे तू बेटी बनेगी तो मैं तेन बेटा बन के तेन पिता बन के दिखा दूंगा, अगर तू बेटी नहीं बनेगी तो फिर नहीं। फिर मैंने कुछ को थोड़ा बहुत समझाया, कोई भी घर में कैसा भी है उसको अपनी नजर से मत देखो, उसको उसकी नजर से देखो, तुम सुखी रहोगे। तुम अपनी तोलमोल करते हो, ये है ये है ये है मैं ये हूं, ना तुम कुछ हो ना वो कुछ है दोनों मिट्टी के पुतले हो तुम, किस बात के लिए लड़ते हो। चार दिन की जिंदगी है, कोई 50 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, सब ने जाना। ये जरा टाइम मिलिया तो अच्छा इस्तेमाल करो, किसी के काम आ। दाता दयाल ने कहा है, मेरे दादा गुरु ने कहा, हम नहीं आए हैं यहाँ तेरी इबादत करने, ए मालिक मैं तेरी पूजा करने नहीं आया, मैं तेरी आरती करने नहीं आया, मैं तेरु मनन नहीं नहीं आया, हम नहीं आए तेरी इबादत करने, हम है आए तेरे बंदों की खिदमत करने। मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, शर्मा जी बटाला में खूब खिदमत कर रहे हैं, बात समझ गए। इनको अपनी ड्यूटी मिली, मुझे अपनी ड्यूटी मिली, हम डट के कर रहे हैं क्योंकि गुरु का हुक्म है। इसलिए आगे पढ़ दो, ना तो तुम्हें ज्ञान मिला, ना तुम्हें समझ मिली, ना तुमने किसी का सहारा लिया, इसलिए तुम दुखी हो। तुम दुखी हो, आओ एक का सहारा ले लो, एक को पकड़ लो, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, बहुत घरों का मेहमान भूखा होता है, भूखा रह जाए। मेरे साथ तो बीती, मेरे साथ बीती, क्या क्या बीती बता देता हूँ मैं, तो जिंदगी को बताता हूँ। मेरे कुड़म मेरे छोटे बेटे थे ससुराल, वो SP थे यहाँ नवा शहर में, तो बेटे का टेलीफोन आया, पिताजी मेरे साथी गुराड़ को एक पिंड हैगा उत्थे आए आ, तो तुसी बच्चों लिए कपड़े थोड़े जे भेज देना। मैं कहा बड़ी अच्छी गल है, चलो मैं वाइफ को कहा कपड़े ले आओ, बहुमा ने कपड़े ले आते, एक थैला बनाता, तो असी चल पे, असी कहा चलो हम कुटुंब में भी मिल चलते हैं। असी नवे शहर चले गए, उन्होंने चाह बनाई, वो मेरी कुड़मी ने बड़ा ही जोर लिया, भाई साहब रोटी खा लो ब्रेकफास्ट कर लो। मैं क्या घरों खा के चले हैं, उत्थे जाना, वो भी कनेडियन हैगे आ, उत्थे रोटी खावे मैंने कहा हमने चाय पी ली, अब जहाँ तो है बनाया पहुँच जाना। लो हम वहाँ चले गए, बात को ध्यान से सुनना, वहाँ चले गए तो वो सरदार साहब घर ना, वो खेतों में गए हुए, तो कुड़ी ने उदी बहू ने की कीता चाह लैंदी ना, वो सीरनी होंगी है सीरनी नमक वाली वो रखती, तो वो भी आ गए। उन्होंने उदो बेलने चलते सी बेल, तो उन्होंने गुड़ इदा अखबार के उत्ते रखे, कहना लो बाबू जी गुड़ भी खाओ तो चाह भी पियो। मैं कहा बल्ले बल्ले बल्ले, मैं क्या ये तो बड़ा अच्छा कंबीनेशन है गुड़ ना चाह। मैं क्या सरदार जी मैं कभी गुड़ ना चाह नहीं पीती, मैं पी ली आ, तो मैं सोचा भी इन्हों क्योंकि दसिया मेरे बेटे ने तो मेरे डैडी मम्मी ने आना, इन्हें कुछ रोटी राटी तो बनाई होगी, वो कितने कोई खुशबू ही नहीं, कोई खुशबू ही नहीं। और मैं क्या अड़िए असी धोखा खा लिया, वाइफ नू मैं क्या असी धोखा खा लिया, चल चलिए। और होया कि जाते जाते असी खुमाड़े जूस पी लिया संतरे का, वो भुख होर भी ज़्यादा लग गई, होर भी भुख लग गई। उन्होंने कहा अच्छा जी तुम आ थैला रख लो,
पहुंच जाएंगे बाबू जी, तुम कोई चिंता ना करो तो पहुंच जाएंगे। बस गल हो चल पे आके बंगा गड्डी ना चले भुखे दिन लगी गड्डी खड़ी की उत्थे होटल से रोटी खाधी पकड़ लो वही रच के खा लो बस फिर भी भुख लगती। मैं ते बाबा फकीर नू ले लिया भाई, मैं नहीं किसी नू मनदा, ना कोई गुरु ना कोई पीर ना कोई देवी ना कोई देवता ना कोई भगवान, और क्या कह दूं ना कोई भगवान। किसको पूछते हो, किसके पास जाते हो, किसको दौड़ते हो? तुम्हें किसी ने ज्ञान नहीं देना, ज्ञान मिलेगा तो गुरु के चरणों में मिलेगा, अनुभव मिलेगा तो वही मिलेगा। इसलिए आगे कहते हैं दो लाइनें आखिरी पढ़ो। भक्ति चंद्रमा सूरज जाना, ना तुम्हारे पास भक्ति का चंद्रमा है ना तुम्हारे पास सूरज का ज्ञान है। अब कह दी बात, चांद में शांति होती है और सूर्य में ताप होता है, सूर्य में रोशनी होती है जिसमें बैठकर हम पढ़ा करते थे रोशनी में, वहाँ रोशनी है वहाँ ज्ञान है, वो रोशनी तुम्हारे अंदर है, उसको तो तुम तो बाहरी ज्योति जला लेते हो। तुम्हारे गायत्री मंत्र को पढ़ लो, वहाँ क्या लिखा है, यही लिखा है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण, स्थूल शरीर सूक्ष्म मन कारण आत्मा, उसके आगे जाओ तुम्हारे अंदर सूरज का प्रकाश है, उसको अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बना लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने क्या लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना रूप पहचान, सबने यही कहा। क्रिश्चियन ने अपने चर्च में क्या रखा हुआ है, बड़ी बड़ी मोमबत्तियां जला के रखी हैं कि इंसान तू प्रकाश है। फारसी लोग मानते ही प्रकाश को आग की पूजा करते हैं, और मुसलमान नूर की पूजा करते हैं। नूर, नूर क्या है, रोशनी। एक धर्मा ने एमी सानू ए लड़ाया, हम सब एक हैं, एक पिता एक इसके हम बारे। इसलिए स्वामी जी कहते हैं ए इंसान तेरे पास ना भक्ति है ना तेरे पास ज्ञान है, इसलिए तू दुखी है। तूने मेरे तेरे में अपने आप को बांट लिया, तूने धर्मों में अपने आप को बांट लिया, तूने जातियों में अपने आप को बांट लिया, और उससे ज्यादा तुमने पार्टियों में अपने आप को बांट लिया। तेरा तरफ रिहाय कख नहीं, यू आर जीरो, तुम हो क्या और बने क्या हो, तुम एक तो कभी होते ही नहीं हो, तुम तो टुकड़े टुकड़े हुए हुए हो, इसलिए तुम्हारा दर्शन तुम्हें कैसे होगा। बी वन, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर देखो तुम कौन हो, कहां से आए हो। तुम्हें आज का सवाल नहीं जवाब मिलेगा, कल को नहीं मिलेगा, एक दिन तुम्हें सवाल का जवाब तुम्हें अंदर ही मिल जाएगा। इसलिए मेरे सतगुरु कहा करते थे, ए बच्चों कृष्ण भी तुम्हारे अंदर है और अर्जुन भी तुम्हारे ही अंदर है। अपने आप को पूछ कर मैं मिसाल दे देता हूँ, और मिसाल दे देता हूँ, मैं बहुत बड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारे पैर में चोट लग, मेरी बात को सुनते जाना, नए लोग आए हैं, नए पैर को चोट लगी है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को क्या कहते हैं, पैर को चोट लगी, नहीं तुम कहोगे डॉक्टर साहब मेरे पैर को चोट लगी, कहोगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम और हो, पैर और है। अब बात को पकड़ते जाना, फिर तुम्हारे पेट में दर्द होगी, तुम फिर जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द बहुत हो रही है, ऐसे कहोगे ना, तो तुम तो और हो, पेट और है, अलग है। फिर आपके कहीं आँख में कुछ पड़ गया, फिर आई वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब मेरी आँख में कुछ, मेरी आँख में कुछ पड़ा, आँख भी तुम्हारी नहीं है, तुम आँख नहीं हो, तुम और हो, और बात चलती है। फिर आप कहीं बैठे दोस्तों में तो कहीं डिस्कशन चल रही है, तुम कहोगे यार मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए तुम और हो, मन और है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर कोई बात चली आपस में बात कर रहे हो तुम लोग, फिर तुम कह दोगे समझते हुए बात को, भाई बाकी बात तो तू ठीक कह रहे हैं पर मेरी आत्मा नहीं मानती। फिर क्या हुआ, शरीर भी तुम नहीं हो,
तुम खुद कह रहे हो शरीर भी तुम नहीं, ना तुम्हारा पैर है, ना तुम्हारा पेट है, ना तुम्हारी आंख है, फिर तुम्हारा मन भी नहीं है। तुम कहते तो मेरा मन नहीं मानता, तुम और हो, मन और है। फिर तुम कहते हो मेरी आत्मा नहीं मानती, तो तुम और हो, आत्मा और है। ना तुम शरीर हो, ना तुम मन हो, ना तुम आत्मा हो, तुम और हो। उसका भेद गुरु से मिलेगा। नाम रहे चौथे पद माही, जे ढूंढे तरलोक की माही। तुम शरीर में नाम को ढूंढते हो, मन में सिमरन करते हो, या आत्मा में बैठे हो, तुम तो वहां पहुंचते ही नहीं हो, तुम्हें ज्ञान कैसे होगा। इसलिए मैंने आपको साफ करके बता दिया कि तुम हो कौन। तुम एक चेतन का बुलबुला हो, मैं एक चेतन का बुलबुला हूं। उसमें क्या है, उसमें हस्ती आलम है, उस मालिक की हस्ती है उसमें। उसको पहचानो तुम कौन हो। वो टूटेगा, उसमें चला जाएगा। कोई ना जमदूत रहा, ना कोई धर्मराज है, ना कोई जमराज है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। तुम उसमें विलीन हो जाओगे और ना जन्म रहेगा, ना मरण रहेगा। ये है गुरु की शिक्षा, मुझे है गुरु की शिक्षा। पढ़ दो ये लाइन, अभी टाइम तो है, मैं कुछ और बोल सकता हूँ। भक्ति चंद्रमा सूरज जाना, छिप गए दोनों घोर समाना। तो छिप गए आपके बदल, बादल जैसे अभी बरसात के बादल आएंगे ना, सूरज ही छिप जाएगा, दिन को अंधेरा हो जाएगा। तुम उस बादल के छाए में रह रहे हो। आओ अपने अंदर रोशनी पैदा करो। तुम्हारी रोशनी तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अपने अंदर है। लेकिन बिन गुरु ज्ञान न पुजे साधो, लो गुरु की शरणाई। वो पैदा होगा, बीज तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसको तेल भी है, पत्ती भी है, लेकिन जल नहीं रहा। वो कहाँ जलेगा? गुरु के पास, उनकी संगत में जलेगा। बात समझ गए? आगे चलो। अज्ञान अंधेरा अति झट छाया, लोक गया पर लोक गवाया। तो नहीं गए तो आप इस हो गया पूरा। अब यह कबीर का साहब का एक शब्द पढ़ दो। बजले सृजनहार सुब्रत तन पाए के, कबीर साहब का। कबीर साहब कहते हैं जिसने तेरी सृजना की है, जिसने तुम्हें बनाया है, उसका सिमरन कर ले, उसको याद कर ले। जिसने तुम्हें इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना बढ़िया शरीर दिया है, बोलो सुन रहे हो? अपने आप को पहचानो तो सही। बाहर देखो, बाहर देखो, दुनिया में किसी की टांग नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कुछ। वो ऐसे ही पैदा हुए हैं, है ना? देखे होंगे आपने। गुरु नानक साहब जा रहे थे तो आगे क्या देखते हैं, तो एक लड़का चल रहा है, दूसरा लड़का उनकी पीठ के साथ लगा हुआ है, पीठ के पीछे। तो वो छोटे वाला थक जाता है, तो फिर पीछे वाला दूसरा उठा लेता है। वो चल रहे हैं तो गुरु नानक साहब कहते हैं, हे भगवान बख्श लेना, कृपा रखना। तो वो मुंडा कहिंदा, ओ बाबा की गल कही है, कारी करे तो बड़ी होर की करनी सानू सजा। आ देख ला, ना ये मैनू देख सकता, ना मैं इनू देख सकता, कभी मैं इनू चकदा पिछे, कभी ये चकदा, उन्हें साढ़े कारी दया की, होर की करूंगा। तो गुरु नानक साहब कहते, बेटा उसकी वही जाने, लेकिन उसकी तो डरते रहिए। आप मेरी बात समझ गए? गुरु जी चले गए, आगे चले गए। महीने दो महीने बाद वापस आए, तो जब वो जा रहे हैं तो देखा उनमें से एक मरा हुआ, अब वो पीछे मरा हुआ लटका हुआ है। तो उन्होंने वो मुंडे ने पहचान लिया कि गुरु के बाबे ने कहा सी तो भगवान बख्श ले। कहता बाबा जी तुसी गल ठीक कही सी, मैं बहुत गलती की थी उस दिन, मैंने आपको ये कहा। कहता जे जिंदा था तो बातचीत कर लेते थे, हम आपस में बात कर लेते थे। अब ये मरा हुआ पीछे लटका हुआ है, सड़ रहा है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मैं इसके साथ ही अब मर जाऊँगा। ये मेरी बात समझ गए? जिसने हमें इतना सुंदर चेहरा दिया, इतना कुछ दिया, और अच्छा परिवार दिया, सबसे बड़ी बात अच्छे माँ बाप दिए,
अच्छा परिवार दिया और माँ बाप ने कहा चंगा तुम हूँ जाओ, मैं हूँ बड़ा हो गया, मैं नहीं हूँ थोड़ी परवाह करता। मेरी बात समझ गया, मैं गलत हो गया क्या? निकला नहीं है, आपके पास दो वाणियां हैं, एक को देख लो दूसरे को देख लो, बदले सृजनहार वो पेज में दिया, दूजी देख लो। तो मेरे पास अनपढ़ ही रहना मेरे ना रह के भी पिताजी सूची में दिया इसमें नहीं है, दूसरी निकालो ना। लदास बाजले सृजनहार मैंने क्या आपको थोड़ी सी और बता दूं, सारा चैप्टर पूरा कर दूं? नहीं मिला तो एक एक शब्द देखना पड़ेगा, इसमें नहीं मिला। शुरू से देखो इसमें कैसे मिलेगा तुम्हें, सूची में है मेरे पास लाओ। तो यार हाथ दो पकड़ो जी। सूची में दिया उसमें नहीं है सब कर बेटा, ये देखो अभी अभी ऐसे कहाँ है भाई, उसको देखो बज ले बाबा वाह आ गया बाजले की सृजन हार, यही है ना? हाँ ये है 74 यार, मैं बगैर रन का तो लभ लिया। बनाया उसको तू क्यों नहीं याद करता? आगे वो कहते हैं जो तेरा शरीर, मैं आपको थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। 1975 की बात है, यहाँ महावारी सत्संग था जैसे आज है, तो दो प्रोफेसर आए हुए थे लुधियाना से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, तो लोग तो आए अपना प्रसाद लिया चले जाते थे, लेकिन मैं नहीं जाता था, मैं सबसे बाद में जाता था महाराज जी के पास बैठे रहना, क्योंकि मेरी बस 4 बजे जाती थी। तो वो प्रोफेसरों ने किसी ऋषि रमन की बात शुरू कर दी, रमन ऋषि की बात शुरू कर दी, और बीच में मैं भी बोल पड़ा। मैंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो महाराज जी ये बात सुन रहे हैं, उन्होंने हुक्का पीते थे मेरे सदगुरु, आपने फोटो देखी होगी। तो महाराज जी ने हुक्का छोड़ा और मेरी तरफ देखा ऐसे, मुझे कहते बच्चा क्या तू भी किताबें ऐसी पढ़ता है? मैं कहा हजरत मैं भी, क्योंकि कॉलेज में मैं भी तो पढ़ाता ही था ना, मैं कहा पिताजी मैंने भी पढ़ा है। मुझे आदेश दिया एक कि किताबें पढ़ना बंद करो और अपने मन की किताब पढ़ा करो, ये कहा। ये बात उस वक्त इतनी गहरी मेरे अंदर नहीं गई, जब मैं घर गया तो सोचा महाराज जी ने आज मुझे आदेश दिया कि मन की किताब पढ़ो।
तो धीरे धीरे मैंने मन की किताब को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि कॉलेज में था, उसको भी पढ़ाई करनी पड़ती थी, चार क्लासें पढ़ाता था तो काफ़ी, और कॉलेज के काम भी करने पड़ते थे, ड्यूटीज और भी लगती थी, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर चिंतन नहीं कर सका, लेकिन मेरे दिमाग में वो ख्याल बैठा हुआ था। रिटायरमेंट के बाद मैंने मन की किताब पढ़नी शुरू की। मन की किताब पढ़ते 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 मैं कहाँ पहुँचा, जहाँ मैं पैदा नहीं हुआ था। पैदा होने के बाद मैं कहाँ था, माँ के गर्भ में आया, मैं कैसे बना वहाँ, मेरा शरीर कैसे बना, मुझे खाना कैसे मिलता रहा, मुझे पीना कैसे मिलता रहा, मेरा सांस कैसे चलता रहा, नाभि से माँ के शरीर के साथ नाभि से जोड़ा लगा हुआ था, आप सभी जानते हैं। तो आए, जन्म लिया तो डॉक्टरों ने क्या किया, जो नर्स थी, दाइयाँ होती थी गांव में, कहाँ नर्सें कहाँ होती थी, दाइयाँ होती थी, बड़ी सियाणी होती थी, नाड़ू काटा तो वो तो कनेक्शन टूट गया खाने वाला, तो माँ के थनों में दूध आ गया, दूध आ गया। किसने भेजा, मालिक ने, उसने इंतजाम किया हुआ पहले, और जब रोटी खाने लगे, दांत आ गए, तो माँ का दूध सूख गया, रोटी खानी सी, क्योंकि फेंकू देना दूध, तो घर तो दूध बंद करना ही था ना, ले हम रोटी खा, तो सारा इंतजाम पहले पहले हुआ हुआ है ना। तो कबीर साहब इसी बात को बता रहे हैं, जिसकी जबकि मैंने अपने मन की किताब पढ़ी, कबीर के साथ मिल गई, और फिर मुझे क्या लगा, ओए मना मेरे आ, वो तू तो कुछ करता ही नहीं, तुम सोचो तुम अंदर कुछ कर रहे हो, अपने आप को पूछो, तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम रोटी तो खाते हो डट के, पचाना कौन है बताओ तो मुझे, क्या कौन पचाता है, कोई पचाने वाली हस्ती अंदर है ना, तुम दूध पीते हो पानी बन के बाहर निकलता है, कौन छालना के रहा है अंदर इतना जबरदस्त, तुम लस्सी पीते हो पानी बन के निकलता है, कोई है छालने वाला, तुम जूस वगैरह पीते हो वो भी बदल जाता है पानी बन जाता है, अंदर कोई चीज है तुम्हारी रोटी पचाने वाली, तुम्हारे खाने को पचा कर खून बनाने वाली, मज्जा बनाने वाली, मांस बनाने वाली कोई चीज अंदर है ना, और तुम्हारी नब्ज चल रही है, तुम्हें पता है, किसी को नहीं पता, तुम्हारा दिल धड़कता, कोई कहे माँ का लाल के मैं दिल को धड़कता, हाँ जब तुम गुस्सा आना तो फिर तुम इधर ना बड़ी खराबी कर दियो, जब तुम्हें क्रोध आता है ये भी ऐसे तड़पता है, तुमने क्या कर दिया मुझे, क्या कर दिया, मगर तुम नहीं हटते गुस्सा करने के लिए। जो नशा पीते हैं उनका भी यही हाल है, नशा पीने वालों का भी दिल ऐसे 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 तेज हो जाता है, वो भी अपनी जिंदगी को जाया करते हैं, जितना ज्यादा दिल धड़केगा उतनी उम्र कम हो जाएगी। क्या कहा मैंने, ये सारा काम कौन कर रहा है, और आगे चलो तुम बैठे हो, तुम्हें पता कि तुम सांस ले रहे हो, क्यों जी बोल लो, नहीं पता ना, तो कोई चीज है अंदर जो सांस भी ले रही है तुम्हें नहीं पता, कोई चीज है अंदर जो दिल धड़क रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अंदर कोई चीज है जो तुम्हारा खाना पचा रही है तुम्हें नहीं पता। तो फिर बाहर आकर मैंने सोचा, जब सारा अंदर सिस्टम ठीक चल रहा है, कोई ताकत है, तो मैंने बाहर चिंता करने जी की लोग शर्मा जी, और फिर मैं बाहर तक ठेका लवा, जब अंदर वो सारा कुछ कर रहा, और बाहर भी मेरा राखा वही है, हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना को, जो कुछ हो रहा वही हुक्म ना हो रहा, जो काम होने लेना मैंने उठे लगा देंदा, मैं करी जाना, मेरा ना लेना ना कोई देना, जो काम तो कुदरत ने देता मालिक का कर्म समझे करो, तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। जहां तुम्हारा स्वार्थ आया, मालिक का काम भूल गए कि ये मालिक का नहीं मेरा है, फिर तुम फंस गए, तुम्हें उसका फल देना पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। जब है ही सब कुछ उसका, घर बार उसका, गाड़ियां उसकी, माँ बाप उसके, सब कुछ उसका, मैंने तो कुछ किया नहीं, तो फिर मेरे को कहे की चिंता, क्या कहा शर्मा जी मैंने, मेरा मन तो ऐसे समझ गया, ये मन मेरे तू सदा रहो हर नाल, हर रहो नाल मन मेरे,
तेरा दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। मैंने तो बाणी ये समझ लगी, मैंने मन की किताब पढ़ ली, हूँ मन आंदा हैगा, ऐसी गल नहीं, मरदा नहीं है, ये छड़दा नहीं, मैंने भी तंग करता, पर बाबा मेरा डंडा लेके आ जाता। मैंने तेनों की किया सी बच्चा, मन की किताब पढ़ ला, ये वर्का फाड़ दे, वो वर्का ही फाड़ देना, उधर नहीं जाना, नहीं सोचना, ऐदा नहीं सोचना, ऐ नहीं सोचना, नाम में लग जाओ, उसका भजन करो, सिमरन करो, जिंदगी बदल जाएगी। आगे पढ़ते हो तो मतलब टाइम संगत थक गई है, बोल काहे नाओ चेते काहे ओ सर पईयो, फिर नहीं ऐसी दे बहुई पाछे पछताइयो। फिर दे नहीं जे मिलेगी, कबीर कहता पछताएगा तू, ये तुम्हें शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। आगे लख चौरासी जोनी में मानुष जन्म अनूप, ताही पाई नर चेतत नाही कारंत का भूप। सबके सब कुछ रस्सी भोगनी पड़ती है। आगे चलो गर्भ पास में रहो कहो मैं भजी हो तो ही निस दिन सुमिरो से। कभी सब कहते हैं कि ऐ इंसान तूने जब गर्भ में उल्टा लटका हुआ था तो तूने मालिक को कहा, मालिक दया कर, गुरु दया कर, मैं बाहर ले आ, मैं तेरा सिमरन करया करूंगा। बाबा फकीर जी कहते कबीर हुंदा इत्थे तो मैं जरूर पुछदा पे तैनू पता पे तैं वैदा कीता सी? कहते मैनू नहीं पता मैं वैदा कीता कि नहीं कीता भाई, पर मैनू मेरे गुरु ने दस्या भी आ कम कर। तो गुरु भी तो भगवान ही है ना, वो मालिक ही है ना, वो बाहर आया चल हूँ तू आ काम कर लग गए चल। चरण ध्यान लगाई के रहो नाम लो लाए, तालिक न तो ही बिसारी हो यह तन रहे की जाए। मैं तो भजन करूँगा तन रहे या ना रहे, मैं तेरे ना वैदा कीता सी मैं तेरा ही भजन करूँगा, बस आगे चलो। इतना कियो करारे ताड़ी गुरु बाहर कीना, भूल गयो वह बात भयो माया यादीना, भूल गयो भूली बात उद्र की आनी पड़ी सुधिये ते, बारह बरस बीत गया ते बारह वर्ष का हो गया तू गल ही भुल गया। अगे चल बिसान समान देह जो बन मदनाते, चलत निहारत तमक के बोलत बातें। तू फिर बड़ा हो गया, फिर चंगे चंगे कपड़े पाउन लग गया, खुशबू भी लाउन लग गया, ते गलियां च फिरदा लोकां दी जनानियां नूं देखदा। लिखा कबीर ने, देख लो आगे लिखो। चोवा चंदन लाई के पहले बसन रजाए, गलियां गलियां झाक मारे पर तिरिया लख मुस्काए। पर तिरिया को देखता है अच्छे अच्छे कपड़े पाया गए। तुरना बन गई बीते बुढ़ा पायान तुलाने, कापन लागे शीशे चलत दो चरण पिराने। आगे बुढ़ापा फिर आगे चलो। नयन नासिका चुअन लागे मुखते आवत बाते, कफ बीत कंठे घेर लियो छुटी गई घर की आस। तो फिर क्या रह गया, बुढ़ापा आ गया तेरा, फिर कोई भी चीज चंगी नहीं लगती, न्याणे भी चंगे नहीं लगते। मैं देखिया चलो पिछे मैं बुजुर्ग देखे झाड़ते दे, डाने न्याणे भी औरत चढ़ी लड़ी जाना फजूल बुरे बुरे शब्द बोलते मैंने सुने, मैंने सुने अपने कानों से सुने और देखे। फिर क्यों हो गया भाई, ऐसा क्यों हुआ है? पहले तो लाया लक्ष्मी बना के आ गई लक्ष्मी घर में आ गई, फिर बाद में उसको चुड़ैल भी कहती है औरतें। मैं देखा चुड़ैल जब साढ़े घर आई है साढ़ा सत्या नाश हो गया,
आपे सत्यानाश सुना तू तो बोलती ऐदा है मामा, मेरी बात समझ रहे हो? ओ प्रेम की बाणी बोला करो। दाता दयाल कहते मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मन बड़ा ही निर्मल रहता, समझ गया? फीकी बाणी बोले मुख से, तन मन फीका होए। गुरु नानक साहब ने कह दिया फीका तेरा चंगा नहीं लगता, बुरा मिठा बोलो जिन्ना भी बोल सक। मैं लेकिन कई लोग मिठा इस करके बोलते, उन्होंने तो मतलब होंदा ओनू ख्याल करो जरा, जरा बहुत ज्यादा मिठा बोले ना कम कढ़ने वास्ते, वो तो धोखा दऊगा ही दऊगा, इस करके तो बच के रहना। मीठा माँ मीठा बोलती है, बाप भी मीठा बोलता, लेकिन माँ बाप गुस्से ना बोलता वो भी मीठा ही है, क्योंकि साडा भला चाहता। बात समझ गए? वो हमारा भला चाहता है, माँ भी भला चाहती है, वो नहीं बुरा कह सकते, वो तुहानू रस्ता दसते है। इस करके कहते हैं बुढ़ापा आ गया तो हूँ की है भी दस, तेरा मुँह च तेरे दंद नहीं, अखा तेरे रोशनी ने, ले कर ला की करना हूँ तू की करेगा, पैर तेरे चल नहीं, डंडा हाथ आ गया आंदा ना, ये कह रहे हैं बोलो आगे। पात पिता सुत नारी कहो का के संग जाए, कोई नहीं संग जाएगा। हाँ तन धन घर यो काम धाम सब ही छुपी जाए। हाँ आखिर काल घसीट है परिहो जम के फंदे, बिन सतगुरु नहीं बाकी हो समझ देख मति मंदे। सतगुरु के आपका जीवन अंधेरे में रहेगा। अब दो बातें कह देता हूँ अंत में। हमारी जिंदगी भवसागर में है, भवसागर कोई पानी का दरिया नहीं है, कोई पानी का सागर नहीं है। हमारे विचार, हमारी कामनाएं, हमारे सोच, हमारे जो कुछ भी हम सोचते हैं वो भाव सागर है। बात समझना। अब भाव सागर के दो रूप हैं, एक है अच्छा एक है बुरा, और एक है इसको पार करना भाव सागर को। अच्छे विचार रखोगे, नेक कर्म करोगे, सच बोलोगे, हेरा फेरी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, किसी को दुखी नहीं करोगे, किसी का हक नहीं मारोगे, अपनी हक हलाल की कमाई करोगे, तुम्हारा भवसागर बहुत सुखदाई होगा, तुम्हारा भवसागर बड़ा सुखदाई होगा। दूसरा, अगर तुम झूठ बोलते हो, 420 करते हो, धोखा देते हो, कम तोलते हो, दूध में पानी डालते हो, और जो भी घटिया से घटिया काम करते हो, अपना अपना देखते हो कि मेरा हो जाए, एदा भवा मुंडा मर जाए पर मेरा मुंडा ना मरे, ऐसे विचार जो रखने वाले हैं उनका भाव सागर बहुत ही गंदा होता है। वो कभी सुखी नहीं रह सकते, वो हमेशा अपने दुखों में ही तड़पते रहेंगे। दो बातें अब तुम्हारे पास में है कि तुम भाव सागर को अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है। अच्छे बनो, सत्संग में आओ, गुरु की बात सुनो, गुरु की बात पर चलो, तुम्हारा भाव सागर ठीक हो जाएगा। बुरी कंपनी में बैठोगे, बुरे दोस्तों में बैठोगे, जैसे जैसे उनके विचार होंगे वैसे वैसे आपके विचार बनते जाओगे, जैसी संगत वैसी रंगत, तुम्हारा भाव सागर खराब हो जाएगा। दो बातें, अब पहले तुमने फैसला करना कि हम जीवन कैसा जीना चाहते हैं, अच्छा भाव सागर में जीना है या बुरे में जीना है, दोनों का फल तुम्हें मिलेगा। अब सवाल है कि क्या हम भव सागर में डूबने के लिए आए हैं, क्या हम दुख सुख उठाने के लिए आए हैं? हमारा गुरु के पास आने का मतलब है कि हम भव सागर से पार हो जाएं। तो फिर पार होने का केवल एक ही रास्ता है, गुरु के पास जाओ, पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर विवेक प्राप्त करो, फिर समझ प्राप्त करो, और उसके बाद अनुभव करो कि जो गुरु ने कहा ये बिल्कुल सत्य है, अटल है, इस पर चलने से मुझे सुख मिला, इस पर चलने से मुझे शांति मिली, इस पर चलने से मेरे घर में भी शांति आई और मुझे कोई कमी नहीं रही। बात समझ रहे हो? तो वो क्या, फिर वो आपको एक नाम देंगे, ले बेटा इस नाम का सिमरन किया कर, ये माल के कुल का नाम नहीं, ये तेरा ही नाम है। वो क्या नाम है? राधा स्वामी गायकर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले, राधा स्वामी नाम जो गाए वो ही तरे,
उतर जाएगा। कल क्लेश सब नाश, कलयुग के जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। क्या कहा मैंने? सुख मिलेगा आपको, कोई भी नाम जप लो। मैं नहीं कहता कि तुम राधा स्वामी, जिसमें तुम्हारी एक ताकत है उस ताकत का कोई भी नाम रख लो, उस ताकत का कोई भी रूप बना लो, उस नाम का स्मरण किया करो और उस ताकत का, उस रूप का दर्शन किया करो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। मेरी बात समझिए, जिसको भी मानते हो एक को मानो, दो को नहीं। मुझे एक बात जाते जाते और सुना देता हूँ। मुझे एक दिन पूना, बॉम्बे पूना से फोन आया, लड़का रोया, बहुत रोया। मैं कहा बेटे तो रोता क्यों, बात कर। कहता महाराज जी मेरा आपसे बात करने को हौसला नहीं पड़ता। मैं क्या हौसला करके तू टेलीफोन किया तो हौसला करके बात भी कर ले। कहता ये हमारा घर तो नर्क बन गया, हमारे घर में कोई शांति नहीं। नाम भी लिया हुआ है फिर भी माता पिता का झगड़ा, मेरे को कोई शांति नहीं। मैं कह तू क्या काम करता? मैं आईटी में हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा कितनी तनख्वाह मिलती? 2 लाख पर मंथ। 2 लाख कितनी थोड़ी है। माता पिता क्या करते हैं? बिजनेस है। अच्छा, बहुत लड़ते हैं आपस में, सब कुछ तबाह हो गया बाबा जी, सब कुछ तबाह हो गया। मैं कह तू मेरे साथ उनकी बात करवाएगा? कहता रात को करवा दूंगा बाबा जी, वो 8:30-8 बजे होते हैं तो मैं बात कराऊंगा। चल टाइम आया, उन्हें टेलीफोन नहीं किया, नहीं किया। मैंने कहा मना, तेनू टेलीफोन नहीं किया तो तू करके देख ला। शर्मा जी क्यों, दुखी तो दुखी की गल तो करनी चाहिए ना बाबे फकीर ने दसिया है, दुखी का दुख हर लो, हर लो जितना हर सकते हो। तो मैंने 8 बजे टेलीफोन किया तो बेटा वो मैंने ऐसा महसूस किया जब उसने राधा स्वामी कहा, मैं कहा बेटा लगता तो सो रहा है अभी। कहता हम बाबा जी आज छुट्टी है ना, इस करके मैं लेट उठता हूँ। मैं कहा वाह, नाम लिया हुआ है और 8 बजे तक सोते हो, ये कहाँ का नाम लिया तुमने? अपने पापा ने बात करा, देखता हूँ बाबा जी वो जाग गए कि नहीं जागे 8 बजे। क्या बात है, उसके पति से बात, उसके पिता से बात। मैंने कहा मैं सुना तुमने नाम लिया हुआ है और फिर गुस्सा करते हो, लड़ते हो। कहते मैं बात आती आती पथरी पर ले गया वो। कहते जी मैं तो कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं मांस खाता हूँ, जो गुरुजी ने कहा मैं उस पर चलता हूँ। मैं कह नाम जपता है गुरुजी ने कहा, तू नाम तू शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, लेकिन तू तो सब कुछ ही खाता है। तू आदमी का खून पी रहा है, अपनी पत्नी का खून पी रहा है, अपने बच्चों का खून पी रहा है, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। कहते जी मेरा पत्नी मुझे जानी जीन नहीं देने, मेरे को ना गल करा। और लगी फिर मशीन वांगू बोलन, मेरा पति एकदा, मेरा ये, मेरा वो, मैं ये, वो पता नहीं क्या क्या कहा उसने 5 मिनट। मैं क्या बीबी जी मैं थोड़ा टेलीफोन किया, मैं थोड़े ने गल करना चाहना, तुम मेरी तो सुनी नहीं, तुम अपनी कहानी मेरे पल्ले पाती। मैंने कहा गल सुन, जो तेरा विह होया अपने पति ने तो वे कोई बचन किए फेरिया च चुप उठे तो क्या पंत कहता गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते भी लावा जद हूँ बहुत पढ़िया जाता, बड़ी उच्ची गल कही है लावा के बहुत उच्ची गल कही है। तो वह कितने गया तेरा प्यार पति के नाल, वो कितने है? तू तो हर गल ना मैं रोटी भी जो तू पकानी होनी उस छड़ी होनी है तो बच्चे तेरे बीमार होने ही है। मैं काफ़ी गल्ला कही हैं। मैंने कहा बंदे बन जाओ नहीं तो तबाह हो जाओगे। वह पति बोलिया कहना जी ने सब कुछ तबाह कर दिता, अपनी मर्जी ना खर्च कर दी, अपनी मर्जी ना चीज़ा लिया दी, मैंने कभी नहीं पुछती। मैं कहा बीबी सुन लो, दोनों सुन लो, घर थोड़ा तबाह हो जाएगा, तो तुम बच्चे करो बाहर कर देंगे, तुम उन्होंने भी नहीं गल मनते। चलो गल आई चलेगी। मैं कल मुंडे का फोन आया मैं कल शाम को, बाबा जी आपकी बड़ी कृपा हुई है, अब हमारे घर में 100% नहीं पर 80% शांति आ गई है, हम बैठ के गल कर लग गए। मैंने कहा ऐसा करी तू 12 जुलाई में लेके आई मंदिर, 12 जुलाई में, 13 जुलाई में गुरु पूर्णिमा है, मैं बड़ा सारा टीका लाऊंगा फिर
टीका होंगे साढ़े को साढ़े को भी एक टीका है बादशाह ने कहना बाबा जी असं 12 तरीक को पहुंचा वो मेरे लिए आना अपनी जिंदगी को सवार ले कोई पर छोड़ो झगड़े छोड़ो लड़ाइया छोड़ो बुरा बोलना ओ प्रेम से रहो रे और तिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो जे तुहाडे घर च प्रेम नहीं तो तुसी रब नाल खाक प्रेम करना तुहाडे घर सी तां बाबे बैठे आ तुहाडे घर सी मां बाप बैठे आ तुहाडे घर सी बच्चे बैठे उन्हां नाल प्यार करो देखो तुहानूं किदां प्यार करदे क्या कहा मैंने मैंने अज बहुत कुछ कह दिया हो सकता है कुछ कड़वे शब्द भी कहे हो माफ करना भाई डॉक्टर हुंदा डॉक्टर जिहड़ा हुंदा ना वो कभी कभी कड़वे शब्द भी बोल देता पर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर कोई ऐसी बात मेरे इस जबान से निकली है जिसने आपको थोड़ा सा कष्ट दिया हो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ तुम सुखी हो जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए तुम्हारे घरों में प्रेम रहे तुम्हारे घरों में लक्ष्मी नाचे लक्ष्मी धन दौलत इज्जत मान प्रेम तुम्हारे घरों में आ जाए इससे परे मैं और क्या चाहूँगा तुम्हें मालिक तंदुरुस्ती दे तुम्हें मालिक इज्जत की रोटी दे और तुम्हारे मन से सारी बुराइयां निकाल दे दाता मेरा और तुम खुश रहो एक सच्चे इंसान कर जियो क्योंकि जहाँ मानवता का झंडा लगा हुआ है सच्चे इंसान बनने की कोशिश करो बाकी कुछ मत बनो जो इंसान बनेगा उसको ही भगवान मिलेगा जो इंसान नहीं मिला बना वो भगवान को कैसे पाएगा आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी खाना तैयार है सबके लिए लंगर तैयार है सब ने भोजन पाना भोजन पा के मैनू मिलना जिन मिलना हो मैं बैठूंगा आप लोगों के इंतजार राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी अरख राधामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी परम संत तारो